बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबको शामिन फूड किचन में वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके लिए मुर्ग मतंजन की रेसिपी ले गई। बहुत ही टेस्टी बनता है। खाली मतंजन तो बनता ही बनता है, लेकिन मुर्ग मतंजन का अपना ही एक मज़ा है। चलें देखते हैं मुर्ग मतंजन बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। मुर्ग मतंजन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप चावल, इनको आधा घंटा पहले ही मैंने भिगो लिया था। 1 कप चीनी ली है, अशरफियाँ ली हैं, मिठाई ली है थोड़ी सी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ता, थोड़े से काजू। 5 से 6 अदद लौंग लिए हैं, 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है और 1 कप दूध ली है। 300 ग्राम चिकन लिए है। चिकन में मैं डालूँगी 1 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, बिल्कुल चुटकी सी हल्दी। और इसमें जाएंगे 2 बे लीफ, 1 बड़ी इलायची और 4 लौंग। चले आए मुर्ग मतंजन बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन रेडी करने के लिए कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है। इसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। चिकन फ्राई हो चुके हैं, अब इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 कप पानी ऐड कर दूंगी। चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने चावल डाल लिए हैं। मैंने यहाँ पे चावलों को फुल कुक नहीं करेंगे, जस्ट 80% कुक करेंगे। जैसे दूसरे मतंजन बनाने के लिए या जर्दा बनाने के लिए हम पकाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे चावलों को 80% तक कुक करना है। यहाँ पे चावल 80% तक कुक हो चुके हैं, यानी कि 80% कितने होने चाहिए, जो हमारे 2-3 कने पे चावल होते हैं। ये देखिए ऐसे खुद ही प्रेस करने पे टूट रहे हैं। इनका अब मैं स्ट्रेन कर लूँ। चिकन के सारा पानी खुश्क हो चुका है। ये देखें चिकन बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पर हम कर देंगे चिकन की फ्लेम ऑफ। देसी के अंदर 1/4 कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल के अंदर छोटी इलायची और लौंग ऐड कर देंगे। इनको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। अब इसके अंदर 1/2 कप दूध ऐड कर देंगे, साथ में ही चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। सिर्फ मेल्ट करनी है, इसकी तार नहीं बनानी है आपने। चीनी मेल्ट हो चुकी है। ऊपर अशरफी और मिठाई ऐड कर देंगे।
करना। हाफ साइड पे मैंने शेल्फियाँ और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और बाकी वाले हाफ साइड पे चिकन ऐड कर देंगे। चावलों को ऊपर से कवर करके दम लगा देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के। चावलों को दम लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब खोल के देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, फ्लेम को हम कर देंगे। चलिए हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। चावलों को अब मैं ट्रे में निकाल लूँगी और आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगी कितने ही ज़बरदस्त बने हैं ये। मोर किंग कंचन राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइए। मुर्ग में तंजन राइस सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, और इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें। आमीन।